फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब्दुल्ला नवाज को शिकस्त हुई थी। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में खेले गए मेंस सीनियर्स के फाइनल के पहले सेट में अब्दुल्ला नवाज ने अनस अली शाह के खिलाफ 6-11 से फतह समेटी। दूसरे सेट में अनस ने 10-12 और तीसरे सेट में 11-6 से फतह हासिल की। फाइनल के चौथे सेट में अब्दुल्ला नवाज ने कम बैक करते हुए अपने हरीफ को 8-11 से शिकस्त दी। पांचवें और फैसला कुन सेट में अनस शाह ने अब्दुल्ला के खिलाफ 7-11 से कामयाबी हासिल करके फतह का ताज अपने सर सजा लिया। मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन ये अल्लाह का वो है, 3-2 और 11-7 वो जीत गया। इंशाल्लाह और भी मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह जीतूँगा। अगस्त में हम चाइना जा रहे हैं, एशियन जूनियर हो रही है और ये भी जा रहे हैं अंडर 17 में, अंडर 19 में मैं जा रहा हूँ और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम। अंडर 13 बॉयज के फाइनल में सैयद नवाज ने सैफ साद को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। अंडर 19 गर्ल्स के फाइनल में सुमेरा शाहिद ने सोहा अली को हराकर टाइटल अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी मैनेजर पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स मोहम्मद उमर और टूर्नामेंट रेफरी नवीद आलम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ जावेद इकबाल, कराची।